26 मई 2022 को सोशल मीडिया के जरिए दीपाली सैयद ने नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र शब्दों में उनका अपमान किया था। इसलिए आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बरड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और दीपाली सैयद पर कार्रवाई की मांग भी इस वक्त की गई। शिवसेना नेता दीपाली सैयद ने प्रधानमंत्री को लुच्छा कहा है। हमारे देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा अपमानजनक बयान देना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। शिवसेना पार्टी के नेताओं से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के मामले में अक्सर अभद्र भाषा में बयान दिए जाते हैं। एक राजनीतिक दल के रूप में शिवराल भाषा में राज्य या देश के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को संबोधित करना हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ऐसा कहते हुए नागपुर शहर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा दीपाली सैयद के विरोध में बरड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और भाजपा महिला पदाधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। आज बीजेपी की तरफ से अभिनेत्री दीपाली सैयद के खिलाफ एक एप्लीकेशन दिया है उन्होंने, वो एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी उसके बारे में जो कानूनी प्रक्रिया है या जो भी लीगल ओपिनियन है वो हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। शहर के बरड़ी पुलिस स्टेशन में हमने शिवसेना की हीरोइन, शिवसेना की नेता, शिवसेना की कार्यकर्ता जो बेताल वक्तव्य करती है पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी के विरोध में, पंतप्रधान को गाली देने का प्रयत्न किया है। मीडिया में आप सब ने देखा होगा कि उन्होंने लुच्चा शब्द यूज किया है। उनके विरोध में बरड़ी पुलिस स्टेशन में हमने आज FIR दर्ज करने के लिए यहाँ पहुंची पूरी महिला मोर्चा की टीम है। आप सबको मालूम है कि इसके पहले भी उन्होंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के विरोध में एक वक्तव्य किया था। उसके बाद में देवेंद्र भाई फडणवीस और उनके पत्नी अमृता वहिनी के बारे में भी उन्होंने किया था। अमृता वहिनी का इससे क्या संबंध है और उसको ये सब बोलने का किसने अधिकार दिया हुआ है? आपको मालूम है कि आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। यहाँ के जो PI है सबनी साहब, उन्होंने हमारा निवेदन लिया है पर हमारी FIR दर्ज होना चाहिए करके हम यहाँ खड़े हैं सुबह 11 बजे से। हमारी FIR वो दर्ज कर नहीं ले रहे, क्यों नहीं कर रहे और क्यों इसको छोड़ा जा रहा है और क्यों सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डालते हो, उनको शिक्षा देते हो? इसको भी शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि इसने भी देशद्रोह किया है, क्योंकि इसने भी एक शब्द ऐसा अपने पंतप्रधान के बारे में लुच्चा बोलने की जरूरत की है। ये सब बहुत गलत है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसका FIR यहाँ पे होना चाहिए। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेह चव्हाण की रिपोर्ट। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।